डेल्टा कॉर्प शेयर के बारे में। तो इस डेल्टा कॉर्प शेयर में आज के दिन अच्छा खासा तेजी हमको देखने को मिला है, लगभग 10% के आसपास तेजी देखने को मिला है। और इस तेजी का पीछे बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है, और साथ ही साथ गाइस इस डेल्टा कॉर्प शेयर में अच्छा खासा टारगेट भी निकल के आ रहा है। तो क्या कुछ खबर निकल के आ रहा है और टारगेट भी क्या हो सकता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ऑब्वियसली शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सो गाइस, डेल्टा कॉर्प का एक सब्सिडियरी कंपनी ने अभी आईपीओ के लिए डीआरएचपी का फाइल्स कर दिया है। जी हां गाइस, डेल्टा कॉर्प के अंदर एक और कंपनी है डेल्टा टेक गेमिंग करके, और ये कंपनी अभी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी को फाइल कर दिया है सेबी के पास। और साथ ही साथ गाइस, इसकी वजह से अभी डेल्टा कॉर्प के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। और साथ ही साथ गाइस, जो भी आईपीओ हो आएगा उनका फेस वैल्यू 1 रुपीस होगा, और साथ ही साथ गाइस 300 करोड़ का एक आईपीओ आएगा, उसमें से सारा का सारा ऑफर फॉर सेल रहेगा। वजह से आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिला है, लगभग 10% के आसपास तेजी देखने को मिला है। अगर हम लोग 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 1 साल के अंदर ऑलरेडी 8% का गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम, और आप कह सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने को मिला है। तो धीरे धीरे करके गाइस, ये शेयर के अंदर अच्छा खासा तेजी हमको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो लगभग लगभग गाइस 200 लेवल के आसपास एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हो सकता है, यानी कि फिर से 10% का तेजी आपको दिख सकता है, एक स्विंग ट्रेडिंग जैसा होगा। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 200 रुपीज, उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा 225 रुपीज के आसपास, उसके बाद गाइस थर्ड टारगेट रहेगा 245 रुपीज के आसपास थर्ड टारगेट भी रह सकता है। तो ये कुछ टारगेट होगा, उसके लगभग लगभग गाइस आपको 154 रुपीज के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कॉमेंट एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।